हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, लाइव किया था, तो इसमें हमारा वॉइस रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसलिए हमने वो पोजीशन को, वो जो वीडियो को डिलीट करके ये नया वीडियो बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों लिया था हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ये लाइव ट्रेड मैंने टाइम पे लिया था, कौन सा टाइम पे लिया था, और हम देख सकते हैं 9:20 को लिया था, 9:24 को हमने कर दिया। तो बैंक निफ्टी में हम अब हम देखेंगे 9:20 को लिया था कौन सा कैंडल, जस्ट अगेन, हाँ 18:19:20 ये वाला कैंडल को लिया था, ये वाला कैंडल पे हमने कर दिया। जस्ट अगेन हम उसको थोड़ा एनलाइज कर लेते हैं, ये वाला ग्रीन कैंडल पे हम लिया था, ये वाला रेड कैंडल पे हमने पोजीशन कर दिया। हमने जब पोजीशन कटा उसका तुरंत बाद मार्केट उठ गया, ये भी हम बताएंगे। तो कैसे एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, हमने पोजीशन क्यों कटा इतना जल्दी, और हमारा जो ट्रेड हमने सेलिंग के साइड क्यों एग्जीक्यूट किया, तो हम ये डिस्कस करना था। पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट सेकेंड, हाँ यहाँ पर जो सेलर ने सेलिंग करके गए हुए थे फ्राइडे के दिन, उनका एसएल ऑलरेडी काउंट हो, ये ऑलरेडी खा गया है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। तो अभी यहाँ पे बच्चे कौन, बायर तो यहाँ तक बहुत डिस्टेंस हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, हाँ वाह 355 पॉइंट, इतना पॉइंट मार्केट आ नहीं सकता, आने को तो आ सकता है, लेकिन अभी मॉर्निंग के टाइम में तो इतना जल्दी नहीं आएगा। और दूसरी बात हम देखें तो यहाँ पे जो एसएल पड़ा हुआ था बायर लोगों का, अगर हम फिबोनाची टूल्स को यूज़ करें, अगर यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं तो मार्केट यहाँ तक जा चुका है, अभी आने को यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एक है, तो यहाँ पे तो आ सकता है। लेकिन निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी का स्टॉप लॉस ऑलरेडी हॉन्ट हो गया था, आप अगर देख सकते हैं तो जो बायर्स ने ये वाला कैंडल को देख के, पिन बार कैंडल को देख के यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे हुए थे, ये मूव उनका स्टॉप लॉस खा गया, इसलिए वो मार्केट बहुत अच्छा से बुलिश मूवमेंट दिखाया। मार्केट अभी बहुत बढ़िया से मूव कर रहा है, एक फिर एक रेजिस्टेंस के पास अटका हुआ है, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन हमको मिल सकता है, लेकिन क्या करें, अभी तो हम ट्रेड लिए हैं, ले चुके हैं, दूसरा ट्रेड का मौका मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा तो हम ट्रेड लेने वाले हैं। थैंक यू।